तो हेलो फोक्स, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज 6th of जुलाई। अभी 10:30 बज रहे हैं और आज है दानिश भाई की बाइक की डिलीवरी। तो कौन सी बाइक है वी वोंट बी रिवीलिंग, और कुछ भी मैं हिंट देने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ से प्लान ये है कि मैं और साहिल मिलेंगे, हम दोनों केक खरीदेंगे। उसको केक को लेने के बाद में विल गो टू द शोरूम, विल टेक द डिलीवरी। केक कटिंग वगैरह होगी टू मेक इट अ बिट मोर मेमोरेबल फॉर दानिश भाई, बिकॉज इट इज हिज फर्स्ट सॉर्ट ऑफ अ बिग बाइक, क्योंकि अभी वो ऑलरेडी R15 यूज कर रहे हैं। तो आप गेस कर सकते हो, R15 के बाद जो अपग्रेड करते हैं लोग तो वो एक ही बाइक पे करते हैं। तो यस, एक बड़ी बाइक आ रही है, अपने ग्रुप में आ रही है, और उसकी डिलीवरी का ये पूरा व्लॉग होने वाला है। तो दिस इज गोना बी अ फन व्लॉग, आई विल डू माई बेस्ट टू मेक दिस व्लॉग बहुत ही ज़्यादा काफ़ी फन और काफ़ी इंटरेक्टिव। तो मैं फटाफट से कपड़े बदलता हूँ, पंखा भी मैंने बंद करके रखा है, कपड़े बदल के फिर हम लोग चलते हैं साहिल भाई के घर, फिर केक लेके हमें आलमबाग जाना है लखनऊ में। तो अब ये हिंट काफ़ी है, समझ जाओगे, मतलब आलमबाग बोलिए तो अब समझ जाना चाहिए। जो लखनऊ वाले एटलीस्ट वो तो समझ ही जाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन से शोरूम जा रहे हैं, किस बाइक की डिलीवरी लेने जा रहे हैं। तो आई सी यू देयर। साहिल्स प्लेस टू पिक हिम अप, और हम लोग बाइक की डिलीवरी जो है दानिश भाई के वहाँ जा रहे हैं। साहिल की क्लास चल रही है तो इनके एमिटी के लेक्चर चल रहे हैं। भाई मास कम्युनिकेशन तुम्हारा भी है, कुछ बताओ थोड़ा एमिटी में कैसा लग रहा है? भाई बहुत काम देते हैं यार, बस ये सब बस छलावा है कि एमिटी में पढ़ाई नहीं होती है ये वो। अभी जब से हम पढ़ रहे हैं तब से तो बहुत काम देते हैं। अभी भी एक टर्म पेपर एनटीसीसी का सिनॉप्सिस चलेगा। भैया रेडी? सो वी बोथ आर ऑलमोस्ट रेडी, ऑलमोस्ट क्या, वी आर रेडी एंड वी आर मूविंग नाउ। तो अब हम निकलते हैं। हमने केक जो है जरीन बेकरी से लिया है जो निशातगंज में, और यहाँ से अब लेके हम जा रहे हैं आलमबाग KTM के शोरूम। सो वी आर टेकिंग अ रिक्शा राइड टू द KTM शोरूम, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बट इतना ज़्यादा गर्मी है कि हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है वॉक करने की। आज गर्मी बोला है लेकिन धूप चली गई। हाँ, जैसे ही ठंड बोला बहुत धूप चली गई। अरे वो वापस आ जाएगी, वो पासिंग क्लाउड्स है। मुबारक हो, मुबारक हो ड्यूक 125। अरे बेइज्जती कर रहे हैं, हमने लिखवाया भी उस पे ड्यूक 125। हेलो भैया अली भाई, अली। अरे बस ठीक है, फाइनली रिवीलिंग द बाइक, दिस इज द बाइक KTM ड्यूक 125। दानिश भाई ड्यूक 125 लेके कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही होगी। तो वी हैव अराइव्ड एट KTM आलमबाग, और दानिश भाई की बाइक यहाँ पीछे खड़ी हुई है, रेडी हो रही है। तो अभी नेक्स्ट शॉट्स जो आप देखेंगे वो होंगे डिलीवरी। अनस भाई आ रहे हैं नीचे, नीचे वो अपने कुछ ECU अपडेट करा रहा है। अच्छा। You're the night sky trying to make me see your stars. The dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence. आप काटिए, आप काटिए, काट लिया था, फिर से काट रहे हैं ये लोग, वीडियो नहीं बनाता। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन दानिश भाई, कांग्रेचुलेशन जिन्हें।
कंगारू सेशन उल्टा होता पहले तुमको खिलाया जाएगा कंगारू सेशन। दिनेश भाई ओपी ये देखिए ये जिम वाले हैं हमारे। चीट डे है आज इनका। ये जिम वाले ये एवरी डे इज अ चीट डे। ये लो भाई पहले इसको लो खा लो मुबारक हो। डन विद द डिलीवरी और 125 नहीं है, इट्स अ 390। बट अभी मुझे यहाँ से निकलना है बिकॉज आई हैव टू गो टू बाराबंकी फॉर सम वर्क, जो कि आप वीडियोस में देख ही लोगे। मैं अपनी बाइक पे कुछ काम करवा रहा हूँ, बेसिकली इट्स अ मोटोक्रॉस हैंडल बार, तो वो लगवाने के लिए मुझे बाराबंकी जाना है। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ फटाफट से, ये लोग अपना आराम से बाद में निकलेंगे। तो आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग, आई कैच यू गाइज लेटर। और इनसे तो शाम को मैं मिलूंगा जनेश्वर पे, तो बाय बाय। राइड हार्ड राइड सेफ एंड कॉन्ग्रेचुलेट दानिश भाई, इनका जो है एक बार कॉन्ग्रेचुलेट, कमेंट सेक्शन भर डालो कॉन्ग्रेचुलेशन से। और स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी आ रही, एक मैसेज तो ड्रॉप एटलीस्ट कर ही सकते हो। तो चलो राइड वाले ही मत करना, लेकिन मैसेज डाल देना, एक मैसेज तो डाल ही सकते हो। चलो राइड हार्ड राइड सेफ।